आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड में 14 जून से श्री मंजनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं मानस्तंभ महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जहां भक्तों को श्रवण मुनि श्री साक्ष सागर जी महाराज ससंग का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मुनि श्री साक्ष सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड अयोध्या नगरी में श्री मंजनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं मान स्तंभ महामस्तक अभिषेक महोत्सव का शुभारंभ 14 जून को हुआ। पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष बैंड बाजों की धुनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान अधिक महिलाओं ने घटों के साथ नगर में भव्य महोत्सव की प्रभावना की। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली भक्तों ने वाणी भूषण विधानाचार्य जय कुमार जी निशांत के कुशल निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने मुनि श्री साक्ष सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही आगरा दिगंबर जैन परिषद के पदाधिकारियों ने मुनि श्री के समक्ष श्री फल भेंट किया। इस दौरान पंचोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पात्रों ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। इस पंच कल्याण महोत्सव में मैं सौधर्मेंद्र का पात्र बना हूं और मेरा बहुत अहोभाग्य है कि जो सौधर्मेंद्र का जो रोल है वो मेरे को मिला है। सौधर्म और इंद्र जो है यहाँ पर भगवान का जो सर्वप्रथ जन्म होता है उसकी सारी क्रियाएँ कराते हैं और भगवान के जन्म के बाद समोसण पर जो है अभिषेक कराते हैं भगवान का, वो सौधर्मेंद्र का पात्र हम कर रहे हैं। हम सभी को इस बात की बड़ी खुशी है कि आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में ये पंच कल्याणक महामहोत्सव आगरा के इतिहास में संभवतः प्रथम बार होने जा रहा है। पंच कल्याणक महोत्सव मानस्तंभ का, जो कि हमारे प्राचीन नसियाजी में हमारे आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश प्रसाद जी के द्वारा प्रदत्त किया गया है और उन्हीं के अधिकांश सदस्यों के माध्यम से ये पात्र आज यह भव्य पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ मना रहे हैं। पंच कल्याणक आयोजन में कुबेर का पात्र निभा रहा हूँ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आज घट यात्रा निकली जो हमारे नसिया जी के मंदिर से एमडी जैन के मंदिर तक आई और तीन चार किलोमीटर लंबी घट यात्रा निकली और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। त्रय मुनिराज इधर पधारे हुए हैं और बहुत सुंदर प्रवचन हो रहे हैं और बहुत आनंद की अनुभूति भी हो रही है। हमारे आगरा में पंच कल्याण विशेष सागर जी के सानिध्य में हो रहे हैं, जो जिसमें हमें अष्टकुमारी बनने का मौका मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हम लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं यहाँ पर अपने आगे कार्य करने के लिए और सारी पूजा में भाग लेने के लिए, और अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ही कम लोगों को मौका मिल पाता है और हमें ये मौका मिला है और ये आगरा के आगरा में हो रहा है। पंच कल्याणक जैसा महोत्सव है तो बहुत भगवान जी की खुद सारी पूजा और सब कुछ करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर आगरा दिगंबर जैन परिषद के पदाधिकारियों ने महोत्सव के बारे में जानकारी दी। हमारा नगर का बड़ा सौभाग्य है कि आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में प्रथम बार एक ऐसा पंच कल्याणक का आयोजन किया गया है जो कि पूरे नगर का आयोजन है। शहरियों में प्राय पंच कल्याणक अनेकों बार हुए लेकिन आगरा दिगंबर जैन परिषद का प्रथम पंच कल्याणक हमारे समझ में दिखाई दे रहा है कि एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक है जो कि हमारे श्री 1000 नेमना दिगंबर जैन मंदिर पीर कल्याणी नसिया जी में 24 मूर्तियों वाला मानस्तंभ बनाया गया है, उसके कारण ये पंच कल्याणक यहाँ किया जा रहा है। आज नसिया जी से एक विशाल घट यात्रा बैंड बाजों के साथ बग्घियों के साथ हजारों की तादाद में महिलाओं के साथ ये घट यात्रा यहाँ निकाली गई जो कि MDN इंटर कॉलेज के प्रांगण में आई और यहाँ पर आचार्य जी के विशुद्ध सागर जी महाराज के सहयोग शिष्यों के द्वारा यहाँ पर सबको प्रवचन का लाभ प्राप्त हुआ है। पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारियाँ काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे हैं और आज का दिन है जो पंच कल्याणक प्रारंभ हो गया है। प्रथम जो कार्य था घट यात्रा का वो पीर कल्याणी नसिया जी मंदिर से चलकर हजारों की तादाद में यहाँ महिलाएं पंच कल्याणक
की घट यात्रा लेकर आई हैं और यहाँ पर आज विशुद्ध सागर महाराज के तीन अनमोल रत्न साक्ष्य सागर, योग्य सागर और निवृत्त सागर हैं, उनके प्रवचन चल रहे हैं और सभी लोग उसका रसपान कर रहे हैं। आगरा दिगंबर जैन परिषद के अंतर्गत नसियाजी में भव्य जिनालय भगवान नैमिनाथ का जहाँ बना हुआ है, वहाँ पर भव्य मानस्थम का निर्माण हुआ है, उसी का आज पंचकल्याणक घट यात्रा के माध्यम से आज शुभारम्भ किया गया। भगवान नैमिनाथ के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि भगवान नैमिनाथ जो कि नसिया जी के मूल भगवान है। आगरा में आयोजित हो रहे श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं मानस्थम महोत्सव का समापन 19 जून को विश्व शांति महायज्ञ के साथ होगा। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।